शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बहराइच जिले में सांप्रदायिक हिंसा पर एक्शन देखने को मिला है। अब तक 52 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने मामले में 2 और मुकदमे दर्ज किए हैं। मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट अब भी बंद है। संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। मौके पर आला अधिकारी कैंप भी कर रहे हैं। लगातार चप्पे चप्पे पर फोर्स नजर बनाए हुए है और अब तक 52 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली थी, जहां दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हिंसा भड़की थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, कई लोग घायल बताए जा रहे थे। अब इस पूरे प्रकरण पर सख्त एक्शन लिया गया है। अब तक 52 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मौके पर आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में 2 और मुकदमे दर्ज किए हैं। तो मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट अब भी बंद है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सांप्रदायिक हिंसा पर बहराइच जिले में एक्शन देखने को मिला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रिजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बहराइच में जिस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसके बाद से लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। 52 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं अब भी बंद है। साथ ही साथ बात की जाए, संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। देखिए साहिल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो घटना निकल के सामने आई, जो मूर्ति विसर्जन को लेकर जो घटना हुई, तमाम आगजनी की गई, तमाम गाड़ियों को फूंका गया, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार उस खबर को संज्ञान लिया, जिस तरीके से वहां पर आला अधिकारी पहुंचे, तमाम सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाती है, सीआरपीएफ तमाम वहां पर मुस्तैद इस समय मौजूद है, और इस समय के जो हालात है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सामान्य है। और देखा जा रहा है कि किस तरीके से बहराइच पुलिस अधीक्षक विनय शुक्ला की तरफ से जो लगातार जो एक्शन है लगातार जो लोगों को उनकी तलाश की जा रही है, जो द्रोही थे उनकी लगातार तलाश की जा रही है, और तमाम जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने का लगातार जो काम है वो बहराइच पुलिस तरफ से जो है किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से यानी 2 दिन लगातार घटनाएं हुई, शहर के अंदर भी कहीं ना कहीं तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, तमाम शहर की दुकान भी बंद देखने को मिली, लेकिन कल से जो दुकानें हैं खुल गई है और इंटरनेट की सुविधा है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। चाहे ब्रॉडबैंड की बात करें, वो लगातार बहराइच पूरे जनपद में ही वो इंटरनेट की जो सुविधा है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है साहिल। बिल्कुल, और रिजवान, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि बहराइच में जिस तरीके की हिंसा हुई है, उसको लेकर योगी सरकार जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में है। 3 आरोपियों की तलाश में छापेमारी भी यहां पर की जा रही है। कई पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है। उपद्रवियों को के जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं वो भी यहां पर खंगाले जा रहे हैं, और सीनियर अधिकारी पल पल की निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और गिरफ्तारियां भी देखने को मिल सकती हैं। देखिए निश्चित तौर पर साहिल, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार खुद एक्शन मोड में नजर आ रही है, खुद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जो पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला की ओर से लगातार जो धरपकड़ की जो तेजी है वो लगातार देखने को मिल रही है। आला अधिकारी खुद मौजूद है, तमाम आईपीएस की भी तैनाती कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं हम साफ तौर से देखा जा सकता है जो भी है उनकी जो तलाश है वो लगातार कहीं ना कहीं तेज कर दी गई, और हो सकता है जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे तमाम जो नाम है वो सामने आप भी आ सकते हैं, और इनका जो कुंडली है उनकी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार इनके पूरा बैकग्राउंड जो है तलाशा जा रहा है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह की जो है इनकी जो है छवि रही है। तो ऐसे में कि जिस तरह से खुद पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला जो है तमाम जो है नजर बनाए हुए हैं, तमाम चीजों को कहीं ना कहीं खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम जो टीमें लगाई गई है यानी उनकी धरपकड़ के लिए लगातार जो टीमें गठित की गई है उनकी उस गिरफ्तारी को लेकर कहीं ना कहीं तेजी देखी जा सकती है साहिल। बिल्कुल, और लगातार रिजवान हम देख भी रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। जो पीड़ित परिवार है उससे भी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी, उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी यहां पर सीएम की तरफ से किया गया, और जिस तरीके से जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से मुख्यमंत्री से मांग की गई थी कि इस पूरे प्रकरण पर सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए, उसका भी असर अब यहाँ पर दिखने लगा है। तरीके से मुख्यमंत्री ने जो है पीड़ित परिवार से को आश्वासन दिया था कि लगातार उस पर जो है जो उपद्रोही है उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से आरोपी ने जिस तरीके से जो मृतक परिवार है उनकी जो मांगे थी संज्ञान लिया है, लगातार इस तरीके से लगातार जो गिरफ्तारी है वो देखने को मिल रही है। एक्शन मोड में
जो इलाका है वो कत्ल कर दिया गया, लेकिन इस हत्या को अंजाम दिया था, इस मर्डर को जो है अंजाम दिया था, उसको चलिए रिजवान हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बहराइच में जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली उसके बाद अब योगी सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार एक्शन लिया जा रहा है, 52 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और पल पल पर कड़ी निगरानी करती हुई यहाँ पर फोर्स भी नजर आ रही है, पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है, चप्पे चप्पे पर निगाह बनाई गई है, साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें। बहराइच हिंसा पर एक्शन में योगी आदित्यनाथ सरकार नजर आ रही, 3 आरोपियों की तलाश में छापेमारी भी यहां पर जारी है।